नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक कैरियर में। चलिए दोस्तों, बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के बारे में। जिन 25,000 होमगार्ड्स को दोस्तों निकाला गया था, फिर उनको दोस्तों वापस भी कर लिया गया है। आप सभी को पता होगा दीपावली पर दोस्तों उनकी ड्यूटी भी लगाई गई थी। चलिए दोस्तों, मैं इसका पक्का ब्यूरो आपको देता हूँ। चेतन चौहान जी ने दोस्तों क्या कहा है, होमगार्ड की सिर्फ ड्यूटी कम हुई है, सेवा जारी रहेगी। चेतन चौहान जी गंगा स्नान तक के लिए दोस्तों कुछ बातें इसमें बोली हैं, और इन्होंने कहा है कि दीपावली समेत गंगा स्नान तक दोस्तों इनकी ज़रूरत है। ठीक है, दीपावली तो जा चुकी है, गंगा स्नान बचा हुआ है। चलिए पूरी खबर आपको बताता हूँ। पुलिस को 25,000 होमगार्ड्स की सेवा की ज़रूरत है, लेकिन वित्त विभाग इसके लिए बजट नहीं दे पा रहा है दोस्तों। इस वजह से कुछ हज़ार होमगार्ड्स की ड्यूटी कम हुई है, लेकिन उनकी सेवाएं चल रही हैं। यह कहना है कि होमगार्ड्स मंत्री चेतन चौहान का 25,000 होमगार्ड्स की ड्यूटी समाप्ति को लेकर हुए विवाद के बाद उन्होंने शुक्रवार को अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अभी भी करीब 12,500 होमगार्ड्स थानों में कानून व्यवस्था से जुड़ी ड्यूटी कर रहे हैं। जिन होमगार्ड्स को ड्यूटी कम हुई है, जिन होमगार्ड्स की ड्यूटी कम हुई है, उन्हें ड्यूटी उपलब्ध कराने के लिए वित्त, पुलिस व गृह विभाग के अफसरों के साथ बैठक की गई है। पुलिस और गृह विभाग का कहना है कि दिवाली और गंगा स्नान के लिए होमगार्ड्स की जरूरत है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा कानून व्यवस्था और अन्य गतिविधियों के लिए भी होमगार्ड्स की जरूरत पड़ती है। पुलिस के पास बजट खत्म होने के कारण उनकी ड्यूटी कम हुई है। हालांकि गृह विभाग के पास बजट का कुछ हिस्सा है, जिसे इस्तेमाल करने पर विचार चल रहा है दोस्तों। इसके अलावा होमगार्ड्स विभाग अपने स्तर से कुछ होमगार्ड्स को ड्यूटी दिलाने का प्रयास कर रहा है। चेतन चौहान ने बताया कि विभागों के साथ हुई बैठक में जिन बिंदुओं पर विचार हुआ है, उन्हें जल्द CM के सामने रखा जाएगा। CM ही दोस्तों इस बारे में आखिरी फैसला लेंगे। तो ये थी दोस्तों आप सभी 25,000 होमगार्ड्स के लिए बड़ी अपडेट।